हे गाइज वेलकम बैक टू डे आवर न्यू वीडियो। तो गाइज जस्ट ये पैकेट अभी मुझे रिसीव हो रहा है, लेकिन ये पैकेट जो था वो डिलीवरी मतलब थी वो उसकी अनबॉक्सिंग करके थी, यानी कि अनबॉक्सिंग डिलीवरी थी। तो उन्होंने फिलहाल ये पैकेट फाड़ के और मुझे दिखा दिया। ये कैश ऑन डिलीवरी था जो पहले से ही ऑलरेडी मैंने पे कर दिया था, लेकिन था कैश ऑन डिलीवरी, उससे पहले ही मैंने इसको पे कर दिया था। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ना ही ये प्रोडक्ट मिंत्रा से मंगाया है, ना ही मैंने अमेजोन से मंगाया है और ना ही ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, लेकिन डिलीवरी मुझे ई कार्ट के द्वारा ही हुई है। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमेजोन पे भी, मिंत्रा पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी और डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे भी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पैकेट इस तरीके से मुझे खुला हुआ ही मिला है। इन्होंने इसकी जो पैकेजिंग है ना बहुत ही गंदी तरीके से दी है और पूरी फट चुकी है, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। और देखिए इस पर लेडीज़ बनी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एक लेडीज़ प्रोडक्ट है। तो मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है ब्रोमेट, BROMET, ठीक है, ब्रोमेट है। और ये एक लेडी प्रोडक्ट है और इसमें दी हुई है लिपस्टिक, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। देखिए क्या होता है कि देखिए आजकल मार्केट में लड़कियों के इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे मेकअप से रिलेटेड ले लो, चाहे क्लोथ से रिलेटेड ले लो, या फिर आप चाहे फूड से संबंधित ले लो, यानी कि पैर से जो सैंडल वैंडल जूते होते हैं वो ले लो। लड़कियों के इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते, लेकिन हम जैसे लड़कों के लिए मात्र लिमिटेड प्रोडक्ट हैं और वो भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। धोती कुर्ता पजामा, और हमारे लिए ना कोई लिपस्टिक है, ना ही कोई लिप बाम है, और ना ही हमारे लिए कोई काजल है, ना ही हमारे लिए कोई क्रीम है। कहीं मार्केट में ढूंढने जाओ तो बहुत मुश्किल से क्रीम मिलती है, और परफ्यूम भी बहुत ही सिलेक्टेड और कम परफ्यूम है, वरना सबसे ज़्यादा उसमें भी वेराइटी लड़कियों के लिए ही है। हमारे लिए एक टी शर्ट, शर्ट और कुर्ता पजामा और पैंट, बस यही, और एक रहा बचा गूगल। जूते कैसे भी पहन लेते हैं, मुंह धुल के कहीं भी चले जाते हैं, शादी करने तक चले जाते हैं मुंह धुल के, समझ रहे हो। और लड़कियों के भाई साहब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि कुछ पूछे ही मत। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए ये BML इसका नंबर है, BML 106, और ये जो है ये लिपस्टिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से कलर की है, ठीक है। ये ब्रोमेट कंपनी से है, मैंने डायरेक्ट इसको इनकी कंपनी से मंगाया था, मैंने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजोन से नहीं मंगाया था। ये 24 आवर्स अल्ट्रा मैट है, और इसका कलर जो है मेरे पास वो है BML 106 रोज पेटल मीडियम पिंक। तो ये पिंक कलर की है, आप देख सकते हैं, और इस पर नीचे पूरी डिटेल दी हुई है इनकी, आप देख सकते हैं, फोकस कर दिया है। और ये मुझे पड़ा है 284 रुपये का, ऑल टैक्सेस मतलब सब लगा लोगों के, इन्होंने मुझे 284 रुपये में दिया है, जो है इसका ये बिल, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, ये जो है मैट फॉर्म में है, ये स्टिक में नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी कंसेंट्रेटी, ये ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और उसको यहाँ पर मैं लगा के देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको लगा के देखा है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये वैसे प्रोडक्ट मैंने अपनी वाइफ के लिए मंगाया था, और ये उन्होंने ही चूज़ किया था, उनको ये काफ़ी पसंद था, वो ऐसे ही इंस्टाग्राम और वेबसाइट ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो ये प्रोडक्ट आया था उन्हें, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कॉस्टली तो है। देखिए वही कहते हैं, हमारे तो सस्ते भी प्रोडक्ट नहीं है और महंगे भी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए। लड़कियों के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे कॉस्टली प्रोडक्ट भी हैं, तो ये जो है सही भी है कि अच्छी क्वालिटी का लगाइए, अच्छा लगाइए। अब देखिए ये बहुत सारा BPA फ्री भी है, और बहुत केमिकल भी फ्री बोल रहे हैं, अब पता नहीं इसमें कितना नेचुरल है कितना क्या है, ठीक है। और हमने मामा अर्थ की भी लिपस्टिक मंगा के दी थी, उसका रिव्यू हमने नहीं दिया है, अब इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर मामा अर्थ का रिव्यू देंगे,
ठीक है, जल्दी ही मंगाने वाले हैं और मैं इसके भी प्रोडक्ट मंगाने वाला हूँ, जो भी मिलेंगे, जो भी अवेलेबल होंगे। तो इस पर ऑलराउंडर सभी तरीके के रिव्यू दिए जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स के हों, चाहे वुमेंस के हों, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऑलराउंडर है ये चैनल। तो यहाँ पर सभी तरीके के रिव्यू दिए जाएंगे। अब देखिए, इसको मंगाना है नहीं मंगाना है ये टोटल डिसीजन आपका है, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसे से मंगाया है क्योंकि मुझे ये अच्छा प्रोडक्ट लगा, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तब। आप ये मतलब बोलते हैं कि ये 12 घंटे तक आपके ओठों पर लगा रहेगा, तो अभी कितने देर तक लगा रहता है ये मुझे नहीं पता। ये देखिए अभी धीरे धीरे सूख रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए अभी मेरे हाथ पे तो ये फिलहाल मिट चुका है, अब ये हाथ पे तो इस तरीके से मिट गया है लेकिन अभी भी है, ठीक है, इस तरीके से मिट गया है लेकिन अभी भी है, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है और फिलहाल अभी ये 12 घंटे तक रुकता है नहीं रुकता है, अब ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन तब तक आप कमेंट करके पूछ लीजिए कि ये वाकई में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इसको मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, मैं पूरा आपको बढ़िया तरीके से बता दूंगा। लेकिन इस प्रोडक्ट पे ये मुझे डाउट है क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे सील पैक नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये सील पैक होना चाहिए था, कम से कम जिस तरीके से इधर सील पैक है तो यहाँ ऊपर भी सील पैक होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर से सील पैक नहीं है, इसका ऊपर से सील खुला हुआ है, आप समझ रहे हो, इस प्रोडक्ट को किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है और ये प्रोडक्ट सील पैक नहीं है। तो ये मेरा अभी कंसल्ट है, हो सकता है मैं इसको वापस करूँ और इस पर जो है बहुत सारे स्क्रैच भी लगे हुए हैं, तो कायदे में ये प्रोडक्ट मुझे सील पैक ही मिलना चाहिए था लेकिन ये सील पैक नहीं है और इसमें सील इसमें दी भी नहीं है, ठीक है। ऐसा ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले यही गेम करते हैं कि ये लोग जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट इनका रिटर्न होता है, कुछ भी होता है, ये सेम वही दोबारा प्रोडक्ट भेज देते हैं कंपनी पे मंगाने में। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है क्योंकि ये किसी तरीके का भी प्रोडक्ट भेज देते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा वाले ऐसा नहीं करते हैं। वो भले ही शिपिंग चार्ज अपना दुनिया भर का लेते हैं, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन वो सील पैक प्रोडक्ट ही भेजते हैं और ये मुझे पूरे 15 दिन बाद ये पैकेट मुझे मिल रहा है, 15 दिन यानी कि मैंने 14 अगस्त को इसको मैंने ऑर्डर किया था, ये एक बार आके और फिर रिटर्न हो गया था, फिर दोबारा ये मुझे मिला है। तो अब इसको मुझे रखना है नहीं रखना है ये अभी डिसाइड करेंगे क्योंकि इसका सील पैक खुला हुआ है, बाकी प्रोडक्ट ठीक ठाक है और अभी हम इसको और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि मुझे इस पे डाउट है, हो सकता है किसी ने इस्तेमाल किया हो अपने ऑटो पे और हम इस तरीके के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा लो फॉल है, ठीक है। अब मंगाना है नहीं मंगाना है टोटल डिसीजन आपका है। होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इसके संबंध में कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो नीचे कर देना। अगर आपको और किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, यदि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका आप रिव्यू कराना चाहते हैं मुझे भेज दीजिए, मैं उसका रिव्यू दे दूंगा। जय हिंद।